और कमाल और जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में ना हम लोग देखो यहाँ पे खाना लेके आ चुके हैं और आप सोच रहे हो कि जगह कैसा है। जगह इसलिए ऐसा है, अभी बता रहा हूँ मैं। बेसिकली ये क्लाउड किचन से हमने खाना ऑर्डर किया है तिनसुकिया में, ये मॉम्स टिफिन सर्विस नाम का खाना ऑर्डर किया है। खाने को अगर मैं घर तक लेके जाता ना तब तक खाना ठंडा हो जाता, इसीलिए तिनसुकिया में ही एक दोस्त का छत पे जुगाड़ किया। देखो ये टंकी है, टंकी के ऊपर कार्टून रखा है और यहाँ पे अभी हम लोग खाने को निकाल कर टेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बता दें इनका प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट करके प्राइस के अकॉर्डिंग खाने का टेस्ट है कि नहीं, वो चीज़ आपको बताने वाला है। काफ़ी अमेजिंग डील है, बहुत सारा चीज़ ऑर्डर किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, नॉन वेज है, वेज है, हर एक चीज़ है यहाँ पे, रोल वगैरह भी है। तो एक एक करके निकालेंगे अभी, उसके बाद दिखाएंगे, टेस्ट करके बताएंगे कैसा टेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो पेज को जरूर फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक जरूर करना, और कोई सुझाव तो कमेंट जरूर करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ठीक है। तो अभी फटाफट से खाने को निकालते हैं, क्या क्या है दिखाते हैं। उस टिफिन जो मॉम्स टिफिन सर्विस क्लाउड किचन है उनका फोन नंबर एड्रेस हर एक चीज़ वीडियो में आपको मिल जाएगा, बने रहो आप लोग वीडियो में। तो फटाफट से इसको अनपैक करते हैं। देखिए ये सारा चीज़ हमने निकाल लिया, अब ओपन करके आपको दिखाते हैं। और इस तरह के आउटडोर माहौल में ना छत पे खाने का मजा ही कुछ एक और है। आप लोग देख सकते हो पूरे इधर बिल्डिंग भरे पड़े हैं और ऊपर हम यहाँ पे मस्त वाला नेचुरल डे लाइट में आज वीडियो शूट कर रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग फील हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको वन बाई वन खोल के। यहाँ पे सबसे पहले ये आता है, ये इनका दाल तड़का है जो कि काली वाली दाल है, ठीक है ना। उसके बाद इधर ओपन करते हैं, इधर इनका वेज सब्जी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो थाली ऑर्डर किया था, एक फ़िश थाली, चिकन थाली, उसका रोल वगैरह है। ये भी सब्जी है, टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ये आई थिंक चिकन है। इसके बाद ये बड़े बड़े कंटेनर में शायद मुझे देखिए यहाँ पे नींबू मिर्चा, उसके बाद सलाद भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं पैकिंग इनका, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बढ़िया तरह से पैक किए हैं। यहाँ ये राइस है, राइस की क्वालिटी देख सकते हो आप लोग, बढ़िया है, काफ़ी खिला खिला सा चावल है, ठीक है। उसके बाद ये भी आई थिंक राइस ही है, देख लेते हैं दूर से, हाँ ये भी राइस है। तो ये दोनों राइस है हमारा। उसके बाद इधर आ जाता है, ये फ़िश है, ठीक है ना, फिश है ये। उसके बाद यहाँ का ये आई थिंक फ़िश का करी है, करी को इनको अलग से रखा है ताकि यहाँ पे गिर ना जाए, फिश करी। और ये आई थिंक दही है या रायता बोल लो। उसके बाद इधर आ जाता है हमारा, हाँ ये पराठा है, आलू पराठा हमने बोला था, आलू पराठा है ये, ठीक है ना। उसके बाद इधर आ जाता है हमारा, आई थिंक गरम है रोटी है फॉइल पेपर में, हाँ तो ये नहीं सॉरी ये रोल है, ठीक है ना, ये दो रोल है, एग रोल है इनका। तो अभी हम लोग खा के टेस्ट करके बताएंगे। इधर पराठा हो गया, एग रोल हो गया, चावल हो गया, मतलब यहाँ पे एक आपको मैंने ऑर्डर किया था फिश थाली एंड चिकन थाली, साथ में यहाँ पे पराठा था अलग से आलू पराठा, उसके बाद यहाँ पे रोल था दो एग रोल। सबसे पहले करते हैं शुरू रोल से, ठीक है, एक रोल पहले हम लोग ट्राई करेंगे एग रोल इनका क्या टेस्ट है, क्योंकि एग रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली आई थिंक 45 रुपीज़ था। गया मैन्यू शेयर कर देंगे आप लोगों को, मुझे प्राइस सारा याद नहीं है। तो ये एग रोल है हमारा, अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। देखो क्लाउड किचन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, बेसिकली एकदम होममेड दिखेगा आपको, क्योंकि क्लाउड किचन का मतलब है घर से बना के सेल करना, ठीक है ना। तो एक बार लेते हैं एक बाइट, अमेजिंग। सही बता रहा है, बहुत टेस्टी है, इसमें वेजिस का भी कमी नहीं है, साथ में अंडे का भी ज़बरदस्त फ्लेवर, क्योंकि ये एग रोल ही आप लोग देख सकते हो, फीलिंग दिखाओ इसका, देखो आप लोग इसमें गाजर शिमला प्याज सब कुछ भरा हुआ है और अंडा तो है ही, गजब वाला टेस्ट दे रहा है। ऊपर से माहौल भी ऐसा। तो अभी देखिए हमने रोल तो ज़बरदस्त था रोल, अब हम ना एक बार पराठा इनका ट्राई करते हैं। देखो पराठे का साइज़ देखो, साइज़ आपका काफ़ी बढ़िया साइज़ है, छोटा नहीं बोल सकता, आलू पराठा ही है। तो पराठे को ना इसका फीलिंग दिखाते एक बार, देखो इसमें आलू की स्टफिंग की गई, आलू प्याज है, ठीक है। इसको ना एक बार पराठे को मैं चिकन के ग्रेवी के साथ लेता हूँ। देखो ये इनका चिकन है ये, और चिकन को बेसिकली मैं चावल के साथ ट्राई करूँगा। एक बाइट लेता हूँ, भाई साहब बिल्कुल घर वाला टेस्ट मिल रहा है चिकन में, ज़बरदस्त, पराठे के साथ मज़ा आ गया, आउटस्टैंडिंग। अब देखिए बेसिकली ना मैं इनका दाल भी ट्राई करूँगा, दाल भी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे चिकन ग्रेवी भी है चिकन का, ठीक है ना। चिकन तो एक बारी मैं पहले चिकन के साथ ट्राई करता हूँ, दाल और इनका फ़िश करी भी है, तो फ़िश का भी एक बार ट्राई करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो चिकन को ना एक बार चावल के साथ ट्राई करते हैं,
एक वाइट लेते हैं। देखिए खाना लाते लाते थोड़ा ठंडा हो गया हम लोग को वीडियो वगैरह शूट करने में, बाकी टेस्ट की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल घरेलू टेस्ट आ रहा है। एक बार चिकन को आपको दिखाते हैं, चिकन का पीस भी कुछ खास ज़्यादा छोटा नहीं बोलेंगे आप लोग, देख सकते हो अच्छा पीस है, पीस एकदम अच्छी तरह से गल गया है। देखो आप लोग ये देख रहे हो आप लोग पीस, एक बार चिकन का टेस्ट बता दें। चलो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, इनका एड्रेस आपको दुर्गाबाड़ी मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको एड्रेस दिखा दे रहे हैं, दुर्गाबाड़ी में एग्जैक्ट इनका जो एड्रेस है। ये डिलीवरी भी करती हैं दुर्गाबाड़ी के 5-6 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और आप टेक अवे सर्विस भी ले सकते हो, यानी कि आपको अगर जब खाना ज़रूरत है उसके लगभग 1.5-2 घंटे पहले आप उनको फ़ोन करके ऑर्डर दो, वो ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे 1.5-2 घंटे में। अगर आपको डिलीवरी चाहिए, तिनसुकिया के एरिया में हो आप, तो डिलीवर कर देंगे। 20 रुपये डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। और वहीं अगर आप लोगों को खुद से लेना है तो उनका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उस एड्रेस पर विजिट करें तिनसुकिया दुर्गाबाड़ी में, और वहाँ से आप ले सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 घंटे एटलीस्ट पहले आपको बताना है उनको, और इन लोग छोटा मोटा कोई फंक्शन वगैरह के लिए भी खाना अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा पहले प्लानिंग करके बताना होगा, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें इनका, देखो नाम बेसिकली मॉम्स टिफिन सर्विस है, तो यहाँ पर टिफिन सर्विस का भी सिस्टम है। टिफिन सर्विस में बेसिकली क्या, जो थाली आइटम है ना, स्क्रीन में आपको मेनू दिखा रहा है उसमें आप लोग देखो, इसमें रेस्टोरेंट आइटम भी है, रेस्टोरेंट आइटम भी, और साथ ही आपको यहाँ पे थाली टिफिन सर्विस का भी आइटम मिलेगा। टिफिन सर्विस बेसिकली क्या है, जो थाली सर्विस है इनका, चिकन थाली, भेज थाली, एग थाली, मटन थाली, ये सब क्या है ना, ये टिफिन सर्विस में आ जाएगा। और वहीं मेनू में आप लोग देख सकते हो इनका रेस्टोरेंट का भी आइटम्स है सारे, तो आप जैसे आप आपका जो मर्जी खाने के लिए वो आप ऑर्डर कर सकते हो, बस टाइम देके थोड़ा सा ऑर्डर करो, ठीक है ना। और शाम को इन लोग 6 बजे के बाद ऑर्डर नहीं लेंगे, क्योंकि 6 बजे ऑर्डर लेंगे तो लगभग 7:30-8 बज जाएगा उसको प्रिपेयर करके देने में, 1.5-2 घंटे का तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब भाई चिकन करी का टेस्ट की बात करें तो लाजवाब है। अब एक बार ना फिश करी इनका ट्राई करते हैं, और फिश भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिश का ग्रेवी हल्का सा लेते हैं, बिल्कुल पतला सा ग्रेवी है, और यहाँ पर फिश का छोटा मोटा पीस लेते हैं, उसके बाद हम इसका टेस्ट बताते हैं आपको। देखो ये मच्छी है, मच्छी का टेस्ट बता रहे हैं आपको सबसे पहले, आई थिंक रोहू है ये, एकदम घर वाला टेस्ट। ग्रेवी के साथ एक बार चावल का टेस्ट करते हैं, सही में मज़ा आ गया, गजब। इनका सब्जी देखो, सब्जी भी है, एक बार सब्जी भी ट्राई कर लेते हैं। ये सारा सीजनल सब्जी मिलेगा आपको, जो थाली में जो रहेगा वो, दाल तड़का तो रह गया था, दाल भी एक बार ट्राई कर लिया जाए, दाल देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार चावल में सारा चीज़ मिक्स हो गया मेरा, दाल एक बार इनका ट्राई किया जाए इधर चावल के साथ, ये पराठे के साथ भी ज़बरदस्त लगेगा, चावल के साथ हम ट्राई करें एक बार। तो ठंडा हो जाने के बाद ना थोड़ा सा टेस्ट की कमी है, बट लाजवाब, सही बता रहे हैं, बिल्कुल आपको टेस्ट ही मिलेगा, घर वाला टेस्ट मिल रहा है बिल्कुल। आप लोग ट्राई कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर भी मिल रहा होगा, मेन्यू वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया मैंने, एड्रेस भी मिल गया। आप तिनसुकिया से हो या फिर तिनसुकिया के आसपास कहीं से भी हो, अगर आपको घर बैठे खाना खाने का मन है, तिनसुकिया में रहते हो तो ऑर्डर करो, 20 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेगा। तिनसुकिया से थोड़ा आउट में रहते हो, आपको लग रहा है कि मैं खाना वहाँ से रिसीव कर लूँगा, टेक अवे का भी सर्विस है, आप इनके बिल्डिंग के नीचे जाओ, वहाँ से आपको ये दे देंगे, ठीक है ना। बस आपको 1.5-2 घंटे टाइमिंग का वो याद रखना है कि 1.5-2 घंटे पहले आपको ऑर्डर करना है। तो अब हम लोग आखिर में ट्राई करेंगे इनका आलू पनीर, ठीक है ना। ये आलू पनीर एक रेसिपी था इनका, उसमें मेनू था, तो इसको पराठे के साथ लेते हैं पनीर को। तो एक बार एक बाइट बनाते हैं तगड़ा वाला, देख सकते हो आप लोग, ये पनीर के साथ पराठा, एक बाइट लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर, देखो पास बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है। एक पीस पनीर और ट्राई करके आपको दिखाते हैं, देखो आप लोग पनीर का टेक्सचर, देखो आप लोग बिल्कुल सॉफ्ट पनीर, अच्छे क्वालिटी का पनीर यूज़ किए हैं यहाँ, ये भी अमेजिंग है। मैं तो कहूँगा एक बार इनका सर्विस लो, उसके बाद आपको पता चलेगा टेस्ट कैसा है, टेस्ट आपको बिल्कुल घरेलू मिलेगा। अब फटाफट से ये सारा खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको मिलके एक बार वीडियो को कंक्लूड करके एंड कर देते हैं।
दोस्तों खा पी के हम लोगों ने फिनिश कर दिया। खाना टेस्टी था, एक बार आप लोग ट्राई करना, क्योंकि अगर आपको घर बैठे खाना है तो भी ऑप्शन है, आप ले भी सकते हो उनसे। बस जो टाइमिंग हमने बताया था, आपको जब खाना चाहिए 1.5-2 घंटे पहले आप ऑर्डर प्लेस करो, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। एक जेन्युइन रिव्यू दूँ तो एक बिल्कुल घरेलू टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने जो जो चीज़ें ऑर्डर किया था ऑलमोस्ट वो समझ लो कि टिफिन सर्विस वाला था, लाइक थाली आइटम था। रेस्टोरेंट आइटम भी आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, रेस्टोरेंट आइटम में आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलेगा ऑब्वियसली। रोल वगैरह खाया, पनीर सभी औसम था, बिल्कुल लाजवाब। तो आप एक बार ही ट्राई कर सकते हो, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ आपको वीडियो मिल गया है, नंबर तो मिल ही रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर टिफिन सर्विस देख रहे हो तो इनको जरूर से सपोर्ट करो, क्योंकि ये एक लेडी रन कर रही है, ठीक है ना, नाम ही है मॉम्स टिफिन सर्विस, तो लेडीज़ को सपोर्ट करना बनता है, ठीक है। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और तब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।